Students, good morning all of you. Today I am going to start geography lesson 7 of class 10th, and this is the third video of this lesson. The topic is waterways. Beta, as you know that ki waterways is the oldest means of transport, kyunki jab se aadmi ka is prithvi par aana hua hai tab se log transport ke liye kisi na kisi madhyam ka upyog kiya hai. To sabse jo oldest mode of transport hai waterways ko jante hain, aur kyunki sabse se merit ye hai ki ye kya hai, आपको ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इसमें किसी भी प्रकार की रोड की कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की रोड को मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम जानते हैं. तो आइए देखते हैं, हम लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं. आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको आप लोग बेनिफिट उठाइएगा. ओके, तो सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज, यानी कि पुराने समय से ही हमारे यहाँ पर इंडिया में खासकर से सी रूट से लोग आते जाते रहे हैं. जैसा कि आप लोग ने पिछले क्लास 6-7 में पढ़े हैं, वास्को डिगामा, अदर्स जो है फॉरेनर हमारे कंट्री में आए, फायान वगैरह भी पढ़े हैं, आपको पुर्तगाल का मेगालन भी है, जो वाटर वेज के माध्यम से हमारे कंट्री में आया करते थे. इट्स मेन सेल्फ फॉर एंड नियर, यानी कि इसके माध्यम से लोग दूर या नजदीक की एरियाओं को कवर करते थे पहले. दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग या सेपरेटिंग इंडियन कमर्स एंड कल्चर, यानी कि इसके माध्यम से जो है इंडिया का कल्चर और कमर्स, यानी कि दोनों व्यापार और जो हमारी संस्कृति भी, वो क्या है, बहुत दूर दूर तक इसके माध्यम से फैली है. चूँकि जहाँ भी हम जाते हैं अपने साथ अपनी कल्चर, अपनी भाषा, अपनी चीज़ों को लेकर जाते हैं, वहाँ छोड़ते हैं, वहाँ फैलाते हैं. क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे कंट्री में इतनी लैंग्वेज क्यों है, इतने धर्म के लोग क्यों रहते हैं, आखिर इतना लोग वैरायटी ऑफ जो पर्सन से वो कैसे हो गए? चूँकि हमारे कंट्री में बहुत सारे फॉरेनर आए हैं और यहाँ से क्या किए हैं, दैट मीन्स कुछ सामान ले गए हैं, कुछ अपने कल्चर को यहाँ छोड़ गए हैं. तो जो भी अपनी कंट्री से आया यहाँ पर कुछ न कुछ नई चीज़ें छोड़ा और यहाँ से कुछ नई चीज़ों को अपने के यहाँ ले गया. यही वजह है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिलीजियस, कल्चर, लैंग्वेज और जो है मतलब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं. ओके, वाटर वेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. याद रखना आता है कि हु इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वाटर वेज. ओके, ये क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में याद आएगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर वेज. ओके, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप भारी से भारी और अधिक से अधिक जो है क्या कर सकते हैं, आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इट इज द फ्यूल इफिशियंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चूंकि ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या होता है, आपको पॉल्यूशन की भी चांसेस जो है ना के बराबर रहती हैं, चूंकि पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है. इंडिया हैज अ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर लेंथ आउट, दैट मीन्स हमारे कंट्री में अपने ही कंट्री में 14,500 किलोमीटर की जो है नेविगेशन, यानी कि हम लोग रिवर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाई मर्चेंट, दैट मीन्स ये है आपका मेकनाइज्ड वेसल्स, जबकि हमारे 585 किलोमीटर जो है कि मशीनों द्वारा, यानी कुछ ऐसे भी शिप्स हैं, कुछ ऐसे भी जहाज हैं जिसमें यह मशीन लगे हुए हैं, क्या करने के लिए, उसको फास्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ओके, द फॉलोइंग वाटर वेज हैव बीन डिक्लेयर एज अ नेशनल वाटर वेज बाई द गवर्नमेंट, यानी कुछ ऐसे रूट्स हैं जिसको भारत सरकार द्वारा उसको नेशनल वाटर वेज का नाम दिया गया है. उसमें आप वन बाई वन देख लीजिए, 5 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है. गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद हल्दिया, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हल्दिया जो है कोलकाता में है, ये आपको 1620 किलोमीटर का ये है, इसको बोलते हैं नेशनल वाटर वेज नंबर वन. इसे क्या बोलते हैं, आप बुक में ध्यान बेटा, नेशनल वाटर वेज नंबर वन कहाँ से कहाँ जाती है, ये इलाहाबाद से हल्दिया कोलकाता जाती है. ओके, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड डुबरी जो है 891 किलोमीटर जाती है, इसको बोलते हैं नेशनल वाटर वेज नंबर टू. और नेक्स्ट आपका है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोटापुरमा जो है कोलम, ये साउथ इंडियन नेम है. तो आप देखना यहाँ पर 1, 2, 3, 5 पॉइंट में ये दिया हुआ है कि कितने पॉइंट में जो है कंट्री द्वारा नेशनल वाटर वेज का नाम इसमें गवर्नमेंट द्वारा इसको इंगित किया गया है. ओके,
चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है। तो नेक्स्ट आपका है यहां पर देखना आप लोग, तो देर आर सम अदर्स इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। इसके अलावा और सारे वाटरवेज का मतलब मीडियम्स हैं हमारे कंट्री में। दीज आर द मांडवी जुआरी, दैट मीन्स ये नेम है कि जो आपके नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है। 5 के अलावा भी और सारे मीन्स आप ट्रांसपोर्ट जो वाटरवेज के माध्यम से होते हैं उसका आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा भी क्या होता है, इंडियाज ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है, इज मूव्ड बाई सी। यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जितने भी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, दैट मीन्स सामान जो है लाए जाते हैं, उसका 95% जो है कहाँ से लाते हैं हम लोग, सी रूट से लाया जाता है, फॉरेन कंट्री से। ओके, और जो हमारे कंट्री में नियर अबाउट ऐसे बहुत सारे फॉरेन गुड्स हैं जिसको हम लोग पोर्ट के माध्यम से, समुद्री मार्ग के माध्यम से हम लोग अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और अदर कंट्री से अपने कंट्री में हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके यहाँ पर मेजर सी पोर्ट के, हमारे कंट्री में कौन कौन से इम्पोर्टेंट सी पोर्ट हैं जहाँ पर क्या है, फॉरेन कंट्री से आई हुई जो है शिप्स है वहाँ पर रुकती है। पोर्ट क्या होता है बेटा, कि पोर्ट इज ए प्लेस वेयर क्या होते हैं शिप्स शिप्स स्टे एंड क्या बोलते हैं अपलोड या फिर हाँ दस मिनट से मतलब मान लो कोई गाड़ी रुकती है कोई आपका, तो उसको बोलते हैं रुकने का एक प्लेस होता है जिसमें शिप वगैरह रुका करती है, उसको बोलते हैं पोर्ट। तो हमारे कंट्री में जो कोस्ट लाइन का है यानी कि पूरा टोटल कोस्ट लाइन है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है। आप लोग ज्योग्राफी के लेसन 1 में पढ़े होंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कि कोस्ट लाइन का एरिया कितना है, मेन लैंड की लंबाई कितनी है। ओके, इंडिया इज द डॉटेड विद द 12 मेजर एंड 295 नॉन मेजर्स, यानी कि माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट। यानी कि हमारे कंट्री में देख रहे हैं आप लोग जो 12 है वो मेजर पोर्ट है और नियर अबाउट 200 जो है नोटिफाइड नॉन मेजर्स जो है पोर्ट्स हैं। यानी कि हमारे कंट्री में कुल कितने पोर्ट्स हैं, 212 छोटे बड़े मिला करके। ओके, दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसमें जो है 95% जो भी पोर्ट्स आपने देखा वो क्या है, वो फॉरेन पोर्ट्स के लिए यानी कि फॉरेन विदेशी व्यापार के लिए वो बिजी रहते हैं। समझे आप लोग, यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी पोर्ट्स हैं 12 मेजर हैं और 200 है माइनर जो हैं, आपको इसका पूरा 95% कह सकते हैं, यानी कि आपको 200 के नियर अबाउट जो आपका पोर्ट्स है वो फॉरेन ट्रेड में बिजी रहता है। यानी कि वहाँ से सामान क्या होती है, फॉरेन कंट्री में जाती है और फॉरेन कंट्री सामान जो हमारे कंट्री में आती है। ओके, उसमें आपका नेक्स्ट ये पॉइंट है, कांडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू एज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट, ठीक है, इन द वेक ऑफ लॉस कराची पोर्ट इन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। देखिए आता है कि नेम द फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, भारत की आज़ादी आज़ाद होने के बाद सबसे पहला पोर्ट कौन था, तो कांडला पोर्ट को बनाया गया, चूँकि इससे पहले कराची पोर्ट था जो कि जब पार्टीशन हमारे कंट्री का हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1947 में, तो कहाँ चला गया वो, पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे कंट्री के ट्रांसपोर्ट में समस्याएं होने लगी, इसलिए क्या किया गया, कांडला पोर्ट को डेवलप किया, कांडला पोर्ट को बनाया गया। ओके, कांडला इज अ टाइडल पोर्ट्स, ये टाइडल पोर्ट्स है, दैट मीन्स यहाँ ज्वार भाटे हमेशा आते रहते हैं। इट क्रेटर्स टू द कन्वेंशनल हैंडलिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाई प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। यानी कि यहाँ पर जो है ग्रेनरीज यानी कि अनाजों की प्रोडक्ट्स यहाँ जाती है आती रहती हैं, और जो इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, औद्योगिक एरिया भी है जहाँ पर औद्योगिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है यह देखना आप लोग, स्ट्रेचिंग क्रॉस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, तो इस इन स्टेटों में जो है यहाँ से जाता है, यानी कि यहाँ जो आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ से क्या होते हैं, प्रोड्यूस माल को कांडला पोर्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। मुंबई द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ विद द स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। यानी कि आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सॉरी विच इज द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, मुंबई, चूंकि ये नेचुरल पोर्ट्स है
और यहाँ पर क्या है वेल शेल्टर्ड, यानी काफ़ी अधिक सामानों को यहाँ पर स्टोर करने की भी मतलब फैसिलिटी यहाँ पर है। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद द व्यू ऑफ डेकोंगेस्ट ऑफ द मुंबई पोर्ट एंड ये सर एज अ हब पोर्ट ऑफ दिस रीजन, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसको बोलते हैं हब्स ऑफ पोर्ट, यानी कई सारी पोर्टों से वहाँ इंटरलिंक होती हैं, यानी कई सारी पोर्टों के वहाँ पर जो शिप्स होती हैं वहाँ पर आती हैं और जो क्या करते हैं वहाँ से फॉरेन कंट्री के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते रहते हैं। यहाँ पर यह मर्मगांव पोर्ट गोवा में है। तो नेक्स्ट है इन द प्रीमियर आयरन एंड स्पोर्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन एक्सपोर्ट, यानी कि मर्मगांव पोर्ट से क्या होता है 50% यानी कि 50% जो हमारे कंट्री का वो आयरन ओर है, पिछले मैंने बताया आप लोगों को यहाँ से क्या होता है फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट होता है। ओके, और न्यू मैंगलोर एक नया पोर्ट है, न्यू मैंगलोर लोकेटेड द कर्नाटका क्रेटर्स ऑफ द एक्सपोर्ट आयरन ओर आपको कंसनट्रेट फ्रॉम द उदरमुख माइंस, यानी कि जो ये माइंस हैं उदरमुख माइंस का नाम आपने सुना कोची से, यहाँ से क्या होता है साउथ वेस्टर्न जो पोर्ट है वहाँ पर आपको ये नेचुरल हार्बर के द्वारा आपको एक्सपोर्ट होता है। तो मेनली हम यहाँ देख रहे हैं कि जो किस तरह से हम लोग वाटर वेज के माध्यम से अपने कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट्स है हम लोग अदर कंट्री में कैसे उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, जैसे हम पूर्वी कोस्ट की यानी कि जो आपका इंडिया से ईस्टर्न पार्ट में जो कोस्टेड हैं वहाँ से जाती है हमारे कंट्री में, तो ये जो है आपको वुड सी स्ट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ द तूतीकॉर्न इन तमिलनाडु, दिस पोर्ट हैज नेचुरल हार्बर एंड रिच इन इंटरहैंड लैंड, दैट मीन्स आप इसको देखना, इसमें मेनली आपका नेक्स्ट आपका एयरवे जो है उसको देखेंगे हम लोग। और यहाँ बात करते हैं अलग अलग पोर्ट हैं, दैट मीन्स एयरवाज के माध्यम से किस पोर्ट से कौन सी सामान कहाँ जाती है आपको इस पार्ट्स में देखने को मिलेगा, इसको पढ़ना ठीक है। और वीडियो भी चूंकि लंबा हो रहा है तो मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।